चार घंटा हो गया भाई। पिंजरे में घुटन महसूस हो रही होगी, जा कबूतर का गोश्त खा, जा ऐश कर। हाँ भाई शिकारी पक्षी। आप सभी को हमारा नमस्कार। कबूतर, कबूतर का जन्म कैसे होता है ये सभी को पता होता है। चिड़िया अंडा देती है, पंख आने के बाद एक दिन वो आकाश में उड़ जाता है। आपने बहुत से कबूतरों को उड़ते हुए देखा होगा। आमतौर पर वे सभी जंगली कबूतर होते हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि कबूतरों की एक और दुनिया भी है। जिस तरह से घोड़े को ट्रेनिंग देने वाला एक जॉकी होता है, उसी तरह कबूतरों को पाल कर उड़ाने वाला बाजीगर होता है। कुछ लोग कबूतरों की दुनिया का बादशाह बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी को खो भी देते हैं। कबूतरों को खिलाना पिलाना और उन्हें पालने पोसने का तरीका तो कमाल का होता है। तारा, तांब्रेल, चीनी, लकवा, तिरावेन, भूरी, रोशन, हुमर, इन जाति के कबूतरों का बाजीगर इस्तेमाल करता है। कबूतरों की और भी नस्लें हैं जिनका बहुत बड़ा इतिहास है। आपको ये जानकर हैरत होगा कि आज भी भारत के बहुत से शहरों में, खास करके बेंगलुरु की कुछ गलियों में कबूतरों की टूर्नामेंट होती है, जहां कबूतर कुछ लोगों के लिए शौक तो कुछ लोगों के लिए धंधा तो कुछ लोगों के लिए दुश्मनी है। कबूतरों की बाकायदा रेस होती है जिसकी शुरुआत कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर होती है। कबूतर प्यार का संकेत है, कबूतर शांति का प्रतीक है, लेकिन जाने अनजाने में इन कबूतरों का रिश्ता बाजार और अंडरवर्ल्ड से भी बहुत गहराई से है। अभी अभी आषाढ़ का महीना खत्म हुआ है और ये शुभ समय है कृष्ण जन्माष्टमी का। हमारी जीत का क्रेडिट मैं किसी और को नहीं दूंगा, ये हांडी तो हम ही फोड़ेंगे। ओ भाई, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, समझ गए? हांडी तक कोई पहुंच सकता है क्या? क्योंकि वो जो पानी छिड़क रहे हैं वो सिर्फ पानी नहीं है, असली शुद्ध नारियल का तेल है। पहले से ही ये टीम राज्य में बहुत से पुरस्कार जीत चुकी है। पुत्तूर की मुत्तू टीम का शानदार प्रदर्शन देखने आप सभी आइए। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन सभी का। देखिए टीम के सारे गोविंदा कितना बेहतरीन प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं, और इन सभी के लिए वाव ये हम जरूर कह सकते हैं। यहाँ हम पिरामिड को गिरता हुआ देख सकते हैं और मेहनत गई पानी में। मटका किसने फोड़ा है भाई? चाचा ये मटका कोई नहीं फोड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो नारियल का तेल फेंक रहे हैं, उसे फोड़ने के लिए कोई जिगर वाला ही चाहिए। हमारी अगली टीम है बजरंगी टीम।
नारियल का तेल लगाया है यार, पक्का है कि हाथ पैर टूट जाएंगे। शे, उसने गलत टाइम पे चकमा दिया यार। भाई उसके बिना नहीं कर पाएंगे। भाईजान क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? और साथ ही साथ सभी खिलाड़ी भाईजान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है नहीं होगा, चलो चलते हैं। ये भाई वो देखो आ गया। ठीक से यार, मैं टेरेस से माल रेडी करके रखा हूँ। तुम सोडा वोडा सब कुछ ले रहा जो, और चकना लाना मत भूल जो, समझे? हाँ ठीक से, एक मिनट बाद में करूँ। हाँ बोलिए सर। टैटू बनवाना था मुझे ब्रो। डिजाइन थारे पास है या हमारा डिजाइन दिखाऊं? मेरी आंखों में जो देख रहे हो वही मेरे हाथों में बनाना। ओ इश्यो है कि ई मननेसु कोनी होने वाला, जुमान जी को आना पड़ेगा। जुमान जी क्या बात है? बैठिए। कस्टमर है? नमस्ते। नमस्ते। करवाना क्या है? ब्रो जो मेरे आंखों में दिख रहा है वो मैं अपने हाथों में चाहता हूँ। आंखों में जो दिखाई दे रहा है उसे हाथों में टैटू करवाना है। ओके जरा पास आइए सर। दिख गया। आंखों में देखा मैंने प्यारा सा चेहरा, अब मैं उसे बनाता हूँ आपके हाथ पे। एक प्यारा सा चेहरा, अब मैं उसको बनाता हूँ। आंखों में है आपके एक प्यारा सा चेहरा सर जी। हो बिल्कुल करेक्ट बनाया है। एक दो मिनट बाद अपनी कुल देवी को याद करके आंखें खोलोगे तो अच्छा होगा। बाकी बातें हम वहां करेंगे। आइए। ये चेहरा तो सच में बहुत मुश्किल था। वो डिफरेंट हेयर स्टाइल, शेप, कलर, गेटअप था। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ए जुबान जी। हाँ बोलिए सर। मेरी आंखों में जो दिख रहा है मैंने वो हाथों में बनाने को बोला, तूने अपना फोटो क्यों बना दिया यहाँ पे? हेलो एक्सक्यूज मी, आपने क्या कहा था? आपकी आंखों में जो दिखाई दे उसका हाथ पर टैटू बना दो। जब आपकी आंखों में मैं दिखूंगा तो मैं वही बनाऊंगा ना। वेरी सिंपल, टेंशन मत लेना। जब तुम सुबह मेरी शक्ल देखोगे तब शुभ योग आएगा, और अगर नहीं देखूं तो योग आएगा। जुबान जी जैसा सच्चा प्रेमी इस दुनिया में और कोई नहीं है यार। पीने के लिए बहाना बना रहा है बेवड़ा। अरे तुम चाहो किसी के बारे में भी बात करो, लेकिन मेरी इस लव फेलियर फीलिंग्स के बारे में कुछ भी मत कहना। जो दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग्स है वो मेरी लव फेलियर फीलिंग्स है, समझे तुम? क्या बोला? लव से ज्यादा लव फेलियर फीलिंग ग्रेड होती है। चाहो तो एक लड़की से प्यार करो, या चाहो तो तुम दो लड़कियों से प्यार कर सकते हो। दोनों की नजरों से बच गए, तीसरी से भी प्यार कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास दिन में बहुत टाइम है तो तुम चौथी लड़की से भी प्यार कर सकते हो। वेरी सिंपल, जिस लड़की से तुम सच्चा प्यार करते हो अगर वो तुम्हें छोड़कर चली जाती है तो उन फीलिंग्स को कहते हैं लव फेलियर फीलिंग्स। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लव से बड़ा लव फेलियर होता है? ये तो कुछ नया ही सुन रहा हूँ मैं। जरूर कोई खास नशा होगा इसमें, मैं भी इसको महसूस करना चाहता हूँ। क्या करूँ भगवान। अरे यार मैं भी लव में फेल होना चाहता हूँ। अबे तो
दुनिया लव में पास होना चाहती है, तू लव में फेल क्यों होना चाहता है यार? अबे तो चुप ना यार। ए जुमन जी, मैं लव में फेल हो जाऊँ ऐसा आशीर्वाद देना। मेरा आशीर्वाद है तेरी लाइफ में भी एक सिंपल सी लव स्टोरी होगी। दोनों में से जो भी रुकेगी उसी के साथ मेरा लव फेलियर होगा। हे भगवान, पता नहीं मेरी किस्मत में कौन है। ये कौन है जो घूर रहा है? उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? अबे क्या करूं यार। सॉरी सॉरी ब्रदर। आपकी दादी की हेल्प कर दी मैंने। हेलो, मैं भी दादी माँ की हेल्प करने के लिए आई थी। ये मेरी दादी नहीं है। वैसे दादी से थैंक्स बुलवाना गलत होगा, आप तो नहीं कहोगी। चलो जाने दो, आपका नाम तो बताइए ना। मैं क्यों अपना नाम बताऊँ तुम्हें? क्या तुम मेरे कोई रिलेटिव हो या मेरे दोस्त हो? नाम बताने से इतना नखरा दिखाती है तो कैसी है ये लड़की, जरा सोचो। दादी माँ जरा इसे समझाओ ना। बेटा प्यार से पूछ रहा है, तुम भी प्यार से नाम बता दो ना। फूल वाली ऑटो। फूल बेचते हुए फूल वाली मेरा दिल चुरा के ले गई। दादी माँ हाँ? आपका नाम क्या है? मोनिशा। मोनिशा नाम है। ओ भाई, बात को बतंगड़ मत बना, भाई अंदर बैठे हुए हैं। छोड़ ना। शांत हो जा। पैसा देना आता नहीं है, कबूतर को उठाना आता नहीं है, तुम कोई काम के नहीं हो। पोस्टर में मेरी फोटो नहीं है तो ये पोस्टर में यार लगने ही नहीं दूंगा। जिस जगह पे मेरी इज्जत नहीं है मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा। फोटो लगाना है ना तो मैं डालता हूँ, सिंगल में लगाऊंगा। चल छोटू, हम लोगों को छोड़कर चला गया। यार पुलिस आ गई, अब क्या होगा? बकिया, कल तक तो कोई और था, ये कौन है? भाई ये बहुत बड़ा मेंटल है, नया नया पोस्टिंग होकर आया है। बेचारा छोटू फोटो फ्रेम बनकर रह गया। तनवीर छोटू। उसे किसने मारा है? पता नहीं किसने मारा, सर फोड़ दिया उसका बेचारे का, सर मार दिया उसे, छोड़ेंगे नहीं उसे सर। किसने मारा है? पता नहीं किसने मारा सर, लेकिन उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। जान लेने के बाद मुझसे आके मिल।
सर ये धूम गैंग वाले हैं, सबके सब बिल्कुल पागल हैं। एक शेखा नाम का आदमी है, वह इनके गैंग का लीडर है। पाकिया, छोटू, गलीज, जामुन, सबके नाम इतने अजीब से हैं। हमेशा गांजा, अफीम, चरस रात भर बैठकर पीना इन सबका काम है सर। हमेशा नशे में रहते हैं, उनका भी एक छोटा सा कबूतर खाना है। इसके अलावा दूसरे अड्डों के कबूतरों को भी चुराते हैं सर। इतना ही नहीं, घर पर हमारे कबूतर बैठा है कहकर उसे पकड़ने के बहाने घर के अंदर घुसकर चोरियां भी करते हैं सर। कहते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी मुझे लगता है कि हमें इन सब पे नजर रखनी चाहिए। अरे मैच खत्म नहीं हुआ है, देखने दो। देखिए ना, खेलेंगे खेलेंगे, हमारे लोग खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे। हे इधर आ, 18 बॉल में 42 रन चाहिए, जीत जाएंगे ना। पापा मैच किसका है? आरसीबी, हमारा है, हमारा। इनमें से एक भी हमारी टीम का नहीं है तो इनका मैच हम क्यों देखे? हे, उन पर इन्वेस्ट किया है ना, तो अब देखो। अरे थोड़ा आगे आके मारता तो 6 हो जाता, बाउंड्री पे कैच दे दिया उसने, आउट हो गया बेवजह। होए होए होए, रिटायर्ड मास्टर जी, इन्वेस्टर साहब कितना गया? अरे बहुत कुछ गया, चुप रहना। इस टीम पे भरोसा करके फायदा नहीं है, हर बार बोलते हैं कप हमारा है, कप हमारा है, और हाथ में आता है कटोरा। क्या पापा, पेंशन के सारे पैसे इस तरह से जाया कर रहे हो ना, किसके साथ खेल रहे हो आप? आपको हराने वाली आपकी धर्म पत्नी है, हराओ इन्हें, हराओ। वो खेल कर हारते हैं, हम देख कर जीतते हैं। क्यों, तुम अपने भाई के साथ नहीं खेलते क्या? ये हैं बड़े भैया। किसी जमाने में कबूतरों के अखाड़े से इनकी भाईगिरी की शुरुआत हुई थी। एमएलए हो या पुलिस वाले, हर जगह इनकी सेटलमेंट चलती है, इसीलिए ये सेटलमेंट भाई के नाम से मशहूर है। महान देव भक्त हैं, मंगलवार, शुक्रवार, पूर्णिमा, अमावस्या, खास दिनों पर मंदिर में ही दिखते हैं। एक तरफा प्यार किया, उसने माना नहीं, फिर भी शादी उसी से की। खेती बाड़ी और डेयरी में बिजी रहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए भरपूर टाइम देते हैं, क्योंकि अब उनकी पत्नी भी उन्हें प्यार करती है। कल्की को इन्होंने अपने बेटे की तरह पाला है और अब उसे भी गुंडागिरी के अखाड़े में उतार रहे हैं। हर रविवार को सेटलमेंट के लिए छोटे बड़े सभी लेवल के गुंडे इनके पास आते हैं। इस मौके पर जुआ खेलने के साथ ही मनोरंजन के तमाम साधन मौजूद होते हैं और उसमें पंजा लड़ाना बहुत खास है। ये डीटीए जाने के बाद केवल का धंधा मंदा हो गया है। अबे अपना बीडीए प्रोजेक्ट अप्रूव होने दे, उसके बाद मैं पूरी बस्ती में रूलिच बना डालूंगा, केबल इच डालने का। अबे ठीक है ना, अब तो खुश है ना? वेरी गुड। क्या भाई, आप भी? सब लोग आपको सलाम करते हैं और आप उसको सलाम कर रहे हैं। वो क्या है, कुछ दमदार शेर किसी के आगे झुकते नहीं है, और वो तो मेरा अपना शेर है, जंगली शेर। अगर हार गया तो 2000 तेरे चलूंगा। ए दम लगा भाई, दम लगा। कितने का दाव है? एक का एक है भाई। मेरा एक पे दो है। तुम चार लोग हमें एक से पंजा लड़ाओगे तो हम भी चार लोग तुम एक से पंजा लड़ाएंगे, चलेगा क्या? एक एक हाथ लगाई लेते हैं भाई। दाव बढ़ा दे, 1-4। तो भाई बढ़ा दिया मैंने, 1-4 है। दो भाई, 10-20। और एक खुआने दो। 20-40 कर दे। 20-40। और एक खुआने दो। 40-80 कर दे। अभी लो भाई, 40-80। हेलो गुरु, दाव आपका ही है, आखिरी दाव है, आने दो। छोटू मैं तेरा मैच में वीक हूँ, 80 को कितना होगा? 160 भाई। ये लो, 4 थे, मैं अकेला था। तो तू हार गया, पर बाद में क्या हुआ? फिर हम 4 थे, वो अकेला था। तो वो हार गया? नहीं। तो फिर वो जीता।
भाई कहाँ मिला ये शेर? इस बोतल को तू 3 चांस में मारेगा तो 1 रुपया दूंगा तुझे। एक बार में मार के दिखा, बाजार के भाव से दुगना दूंगा बेटा। या, सही मारा, क्या निशाना लगा है। वहां से 5 कदम पीछे जाके मारेगा तो बाजार के भाव से 1 का 5 गुना दूंगा। मत कर भाई। बोला था ना भाई मत कर। ए, चल इधर आ। देख के नहीं खेल सकता क्या? हाँ देख कर ही मारा था, थोड़ा मिस हो गया। दे ऐसे क्या देख रहा है? हाँ गाड़ी को लगता तो, और किधर जाके खेलने का, चल निकल। अरे दोबारा गाली खाना है क्या भाई? चुप रहे ना यार। ओ अरे मत करना, मेरी बात तो सुनना। कलेक्शन तो पूरा आ रहा ना भाई, आज बहुत ही बढ़िया कलेक्शन हुआ है। अरे तू कार के पास क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? अरे मत कर। अरे गाड़ी पीछे ले जरा। उस छोटे से लड़के ने अपनी जान बचाई है आज, उसका एहसान चुका कर आते हैं। चल कहाँ रहते हो बेटा, तुम्हारे माँ बाप कौन है? सर इसका माँ बाप नहीं है सर। नाम क्या है? राम प्रताप। देख बेटा मेरी जान बचाने वाला तू विष्णु का 10वां अवतार है। अहंकारी है लेकिन अवतार पुरुष है। देख ये कलयुग है, आज से तेरा नाम होगा कल्कि। क्या होगा? कल्कि। कल्कि। अब चल मेरे साथ इस कार में। हाँ। ए, कार भी अच्छा है और सर भी अच्छा है, जा तू निकल। मेरा बाप भी होता ना तो मैं भी आता तेरे साथ।
बाजीगर को बाजी लगाना आना चाहिए। कबूतर उड़ाने के लिए बाजुओं में दम होना चाहिए। जमीन से जब पंख मारती है तो आसमान की हवा से बातें करती है। और दो घंटे आना नहीं सोनू, दो घंटे नहीं उतरेगी। बाजी लगाने वाला बाजीगर नहीं बनता कल्की, उसे पंख के फड़फड़ाने की आवाज पता होनी चाहिए, हवा चलने की दिशा मालूम होनी चाहिए, सूरज को देख सके ऐसी आंखें होनी चाहिए, खास करके कबूतर से अच्छा रिश्ता होना चाहिए। उस तरह दिल देने वाली कबूतर अभी तक मिली नहीं। जिस दिन वो मिली, इन कबूतरों के बाजार में मैं ही बड़ा बाजीगर रहूंगा। पहले क्या था, अब क्या हो गया रे तू? सुनिए साहब, हाँ, ये जगह मेरे नाम कर दीजिए। ए शिवा, मजाक कर रहा है क्या मुझसे? हाँ, इन दोनों पहाड़ों के लिए कैसे सरकारी लोगों से झगड़ा करके इस जगह को हासिल किया है मैंने, जानता है ना तू? देख बेटा, इस जगह को भूल जा, दूसरी दिला दूंगा तेरे को। मेरी बात सुन, ये जगह मुझे चाहिए ही चाहिए। भाई के ऊपर हाथ रखता है तू? भाई को हाथ लगाता है तू? भाई को हाथ लगाता है? ठीक है, पूरी तैयारी के साथ आए हो? हाँ, लाख मना करने पर भी इस लड़के को तूने कातिल बना ही दिया। खूंखार है ये, अब नहीं रुकेगा। तू ही निर्भय, तू ही अजय, तू ही तो निर्णायक है। तू ही निर्भय, तू ही अजय, तू ही तो निर्णायक है। तेरे बल से कांपे धरती, गगन तेरा सम्मान करे। खुद में सूरज की गर्मी लेके तू शोला बने। इंसान जो चाहे अगर तो सात आसमां आगे झुके। मुट्ठी जो खोले तो पापियों का नाश करे। अरे क्या हुआ भाई? सामने से हटो, हुआ क्या? भाग चुरे भाई, हुआ क्या? भाई अब पीको ना भाई, कितलो भाई अब पीको ना। सर नथिंग टू वरी, चार दिन के बाद स्टिचेस निकाल देंगे, अगले हफ्ते चेकअप ले आइएगा। सर यही कल की है, यही राइट हैंड है साहब, यहाँ पे नए हैं। ये पुराने इंस्पेक्टर की तरह नहीं है। आपको किसी पे शक है क्या? है तो बता दो, एक्शन ले लूंगा। अगर शक होता तो अब तक जिंदा नहीं होता। वैसे आप कोई एक्शन मत लीजिए, अगर आपको पता है तो बताइए, मैं खुद ही एक्शन ले लूंगा। सभी एग्जाम में कॉपी करके
फिजिकल टेस्ट में सेल करके, डिफेक्ट होने पर भी मेडिकल टेस्ट पास करवा के, यहाँ बैठे हुए एमपी एमएलए को भी रिश्वत देकर, लेकिन उस रिश्वत के लिए लोन लेकर एसआई बना हूँ, लेकिन उसकी ईएमआई भरने की जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटी का टॉपर, फिजिकली फिट हूँ मैं, मेडिकल में क्लियर हूँ मैं, इतना कुछ करने के बाद लाइफ में कुछ कर गुजरने की भूख है मुझमें, और हाँ, बुराई को खत्म करना चाहता हूँ मैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने इस तरह की बात कभी मत करना, गलत करने वाला चाहे कोई भी हो, गरम खून है ना, जला देने का मन करता है, समझा, जला देने का मन करता है। वो जवानों को भी जलाएगा और बूढ़ों को भी जलाएगा। चिंटू जी, अगर ये झूठ भी बताए, उसी को स्टेटमेंट बना के ले आओ। ठीक है सर। बच के जाएगा कहाँ? वहां पर ले लीजिए। तू फिकर मत कर यार, चल बिल भर कर आते। सर, आपका नाम और गाँव? 90 सन ऑफ सिगड़ी, केयर ऑफ मागड़ी। उठे तो 6 फीट, गिरे तो 3 फीट। अब तो शराब पीना छोड़ दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, फॉर्म मैं भर देता हूँ, दे दीजिए। मदद? या लीजिए। आप इनके क्या लगते हैं? मैं दामाद? नॉट नाउ, फ्यूचर में। सर पीना छोड़ दीजिए। सर देखो बेटी, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, सुनो। साइंस पढ़ने वाले साइंटिस्ट नहीं होते, दांत वाले सभी डेंटिस्ट नहीं होते, मगर हाथ में बोतल पकड़ने वाले सभी पियक्कड़ जरूर होंगे। ट्रेंड चाहे बदल जाए, लेकिन ब्रांड नहीं बदलेगा। पढ़ाई में 0 हो, पैसा कम हो, फिर भी अपनी मंजिल वो जरूर पा लेते हैं। GST, SGST, CGST, कोई भी टैक्स आने दो, 90 के लिए, क्वार्टर के लिए हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। हम पीना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है सर, पीना। हेलो, समझिए, ये आपकी बात मान गए हैं, बगैर पैसों के हमें जाने देंगे क्या? ये कैसे हो सकता है? आपकी बात भी नहीं मानेंगे। बेटी पैसा दे दो, जल्दी घर चलना है। कितना हुआ? 5,000 रुपए। 5,000? पापा आप इधर क्यों आए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़कर आपको इधर प्राइवेट में आना था। ये दामाद जी यहाँ लेकर आए। अब तू ही भर। वहाँ नहीं दामाद जी, हाथ तो मेरा यहाँ है, संभाल के घर ले चलो। वो तो बैलेट चेक देना चाहता था अंकल जी। उस चेक को यहाँ मत देना, बाहर में दे देना तुम। चलो, मेरे नसीब में क्यों है? इन्हें तो कहीं देखा है भाई। अरे यार, ये तो यहाँ पर है। ये कौन है भाई? मतलब ससुर जी अपनी पार्टी में। क्या ससुर जी? ओ, तुम लोग भी शराब पीते हो? शराबी हूँ, जुआरी हूँ, दिल का राजा भी हूँ, सब कुछ है अपने पास। जो भी आदमी मेरे पापा जैसा, मैं उसे बहुत नफरत करती हूँ, मुझे शादी भी नहीं करनी है। क्या? मैं प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये अभी से शादी के बारे में बात कर रही है। जाने देंगे? दे चुके हैं, सिर्फ आपका ही इंतजार है जानो। अरे यार, इसके बारे में फुल डिटेल्स कलेक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे भी तो लव फेलियर होना है ना। देख, अगर तुझे नंबर 1 का बाजीगर बनना है ना, तो यहीं से शुरू करना होगा। आजा। नमस्ते भाई। भाई पानी पिला इनको। ये इसी का अड्डा है, पिछले 3 साल से इसी का राज है यहाँ पर। लगातार 19 घंटे उड़ा था, रिकॉर्ड है भाई। लास्ट टाइम सुबह उड़ाया था, रेफरी की वजह से लाइट छोड़ के सीढ़ी मार के नीचे उतारा था। कौन हो भाई तुम? ए, ए, कबूतर को मत चुना, कौन हो तुम? ए, कल की भाई का राइट हैंड है। सॉरी भाई, पहचाना नहीं था। कबूतरों को चुराने के लिए बहुत लोग आते रहते हैं। अपनी महबूबा यहीं पर है, एक बार तो मिलना बनता ही है। अरे सुन। क्या यार, तुम्हारी दिल की हलचल तो नीचे ही है। ओए सुन। भाई कल की आज के बाद यहाँ पे रोज आएगा। ठीक है भाई। कर्नाटक का टॉप मोस्ट फैशन डिजाइनर है, और यहाँ देखो, एक लड़की को प्रपोज करने में डर रहा है। तीन चार सालों से आप परी को सिर्फ देख ही रहे हैं, एक बार प्रपोज करके तो देखिए। प्रोफेशन के लिए मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन जब पर्सनल बात आती है, डर लगता है, खामोश हो जाता हूँ। आप प्रोफेशनली समझाइए, अगर वो बात समझ गई तो ठीक है। समझ जाऊंगी, आप कहिए सर। मेरे सारे डिजाइन का एम्ब्रॉयडरी वर्क करके फाइनल टचअप आप ही देती हैं, वैसे ही मेरी लाइफ को भी एक फाइनल टचअप देंगी क्या? देखिए, आप मुझे प्रोफेशनली बहुत सालों से जानती हैं, मुझे आपसे थोड़ी पर्सनल बात करनी थी। कहिए सर। आप बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक यू सर। तो क्या मुझसे शादी करेंगी? हाँ? अब ये देखिए, इस साड़ी पर
ये एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगेगी। शादी के एल्बम में आप मेरे साथ खड़ी रहेंगी तो और भी सुंदर लगेंगी। ये डिजाइन बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। घर जाकर सोच के बताइए। नहीं सर, मैं घर जाऊंगी तो ये डिजाइन मेरे सर में घूमता रहेगा। मैं यही कॉफी पीते हुए सोच कर बताऊंगी। सर, मैं आपका लैपटॉप यूज कर रही हूँ। इट्स ओके। सर, ये साड़ी को ये लेस मैच हो रही है? कलर मैच नहीं हो रहा है ना? जैसे ये साड़ी और लेस मैच नहीं हो रही है, वैसे हमारी फैमिली स्टेटस भी मैच नहीं होगी। आप दिल की बात मत सुनिए, वो धोखेबाज होता है। आप पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत ही अच्छे हैं सर। आपको कोई सूट करने वाली वेंसडे आने तक इस कॉस्ट्यूम को रेडी कीजिए। नो इश्यूज। ए शोकदार। हाँ भाई। पता नहीं ये खेल मुझे रास क्यों नहीं आ रहा है। मुझे ये कबूतर दे सकता है क्या? बदले में मैं कितना भी दे सकता हूँ। भाई, ये माँ का पाला हुआ कबूतर है। माँ ने ही पहली बार उड़ाया था और दाना भी डाला था। जब माँ दुनिया छोड़कर गई तो सिर्फ मेरी आंखों में आंसू नहीं, इसकी आंखों में भी आंसू थे। जब इसने उड़ना शुरू किया तो आज तक नहीं रुका, इसीलिए माँ पुकारता हूँ मैं इसे। माफ करना भाई, माँ की जीत तो होनी ही चाहिए। कौन सा कबूतर अच्छा उड़ता है यहाँ? सारे कबूतर तेजी से उड़ते हैं भाई, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा कोई नहीं उड़ता। भाई, अपने कबूतर को नंबर वन बनाने से अच्छा है नंबर वन कबूतर को अपना बना लिया तो कैसा रहेगा। माँ कबूतर को उड़ाने के बाद कलर चेंज कर देते हैं। माँ कबूतर के अलावा दूसरा कोई भी कबूतर नहीं है। मैच में बचेगा सिर्फ बड़े भैया का कबूतर। बड़े भाई कुछ नहीं करेंगे। अगर भाई ने कोई होशियारी की तो उनको ही टपका डालेंगे। मैंने मजाक में कहा था यार। पार्कर से बात करूं क्या भाई? पापा? पापा? आज तो किसी भी तरह लव फेलियर होना ही है। पापा? पापा? ये आप क्या कर रहे हो पापा? वो मशीन मेरे लिए भगवान है। ये हमारी भी है, जरूरत की सारी चीजें रखने के लिए जगह देने वाला भगवान है। पीने वाले को पीने वालों से ज्यादा पिलाने वालों के पैर तोड़ने चाहिए। मैं डराना चाहता था लेकिन वर्कआउट नहीं हो पाया। तू यहाँ क्यों आया है? घुमा फिरा के बोलूं या सीधे सीधे बोलूं? सीधे इधर आया है ना, तो अब बोल। देखो देखो, तुम पूछ रही हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आई लव यू। क्या? देखो तुम दोबारा पूछ रही हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। आई लव यू। तेरी तो मैं ना तुझे मार डालूंगी। मार देना। हर लड़की का पसंदीदा मैं भी व्हाइट शर्ट पहनकर, हाथ में रोज लेकर, प्लैटिनम रिंग लेकर, घुटनों पे बैठकर मैं भी तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ। बट ये मोहब्बत, प्यार, सपने, ये सब कुछ हमें नहीं मिलते। अगर मिलेंगे तो सिर्फ इस गरीब का प्यार मिलेगा। तुम जितना प्यार मुझसे चाहती हो मैं उससे भी ज्यादा दूंगा। अच्छा बताओ, इस जेल में 2 वक्त का खाना मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि इस चाकू से तुम्हारा खून करके मैं जेल जाना चाहती हूँ। क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? एक बार अपने दिल की बात सुनो तो। दिल की बात सुनकर मेरी माँ ने धोखा खाया। मरते वक्त मेरी माँ ने एक बात कही थी, दिल हमेशा धड़कते रहता है, हालात की वजह से वो बदलता रहता है, उसकी बात मत सुनना। लेकिन अकल आगे क्या होने वाला है इसके बारे में सोचता है, इसीलिए अकल की ही सुनना। और तुझे मेरा दिल एक्सेप्ट नहीं करेगा और अकल तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी? हे, कोई चांस नहीं है। मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं कर रही हो।
परी, तो क्या मेरा लव फेल्यूर हो गया? मैं तुमको प्रपोज करते ही रहूंगा और तुम मुझे रिजेक्ट करते ही रहना। ए, निकल यहाँ से। एक तो मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से ये भी आ गया। मैं पीता हूँ इसलिए लव फेल्यूर हो गया। अगर पीना छोड़ दूंगा तो लवर मिलेगी क्या मुझे? मेरे भाई, जब लवर छोड़कर जाएगी तो दारू मिलेगी, लेकिन दारू छोड़कर जाएगी तो लवर मिलेगी इसका डाउट है। अरे यार, परी कितना मस्त चिल्लाती है, अब मजा देख। I love you. देखिए यार, वापस लो फेल्यूर, लो फेल्यूर। ओके बेटा, स्टेज पे डायलॉग अच्छे से बोलना, ठीक है? इसे संभालना। आ गया ये। तुम तो यहाँ पर सारे बच्चों की मदद कर दे रही हो, इस छोटे से दिल की कुछ तो मदद कर दो ना। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? स्कूल है ये, और वो भी बच्चों के सामने तू ये सब कह रहा है? तू कभी सुधरेगा ही नहीं। मुझे फिर से डांट रही हो, इसका मतलब वापस लव फेलियर हो गया। लव फेलियर हो गया वापस। हे भगवान, शुरू हो गई इसकी नौटंकी। मेरा लव फेल हो गया। अंकल, रोइए मत, कॉस्ट्यूम टीचर चली गई तो क्या हुआ, ड्रॉइंग टीचर तो और भी सुंदर है। अरे रोने के लिए मैं पागल लगता हूँ क्या? मेरा जो लव फेलियर हुआ है ना, इसका फील सुपर्ब है। हा? इस गाने को सुनने वाले सभी को आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्ति रस दो, आपके जीवन में खुशी का आगमन होने वाला है। कौन है कल्कि के माँ बाप? सुनिए, ये संस्कार दिए आपने अपने बेटे को? खुशी का आगमन कहा था, यही है क्या वो? जन्म देना ही काफी नहीं होता है, उसे अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। समझा दीजिए अपने बेटे को, जो पूरा दिन आवारों की तरह मेरे पीछे घूमता रहता है। उसे कहिए मुझे प्यार व्यार में इंटरेस्ट नहीं है। गौर से देखिए खुशी के आगमन को। देखो बेटी प्रीति जिंटा, तुम कुछ प्यार व्यार कह रही थी ना, आप दोनों के बीच में आने वाले हम कौन है? वो जो भी है आपस में सॉल्व कर लो, और क्या। ऐसी बातों में आजकल के लड़कों को हम कुछ नहीं कह सकते। वाह वाह, आप जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया ऐसी हो गई है, ना कभी आपका उद्धार हो सकता है और ना कभी आपके बेटे का। क्या? मेरे बेटे की शादी अच्छे से हो जाए, उसके लिए कोई पूजा है? अवश्य, परंतु थोड़ा खर्च ज्यादा होगा। कुकर हमारा लेते हो और दाल अपनी गलाते हो पंडित जी। जैसी चाहत वैसी राहत। मेरा भी भला नहीं होगा, मेरे बेटे का भी भला नहीं होगा। लड़की देखो बेटी, दोनों में से एक छूना, छुओ 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 छुओ। चेन्नई किंग्स हारने वाली है। आपके लड़कों में से एक लड़का मुझसे प्यार करता है। देख, सब चिड़िया को दाना डालते हैं, खाना है कि नहीं वो चिड़िया की मर्जी है, मतलब तेरी पसंद क्या है बता दे। सुनिए सर, मैं उसे कितनी बार मना कर चुकी हूँ, फिर भी मुझसे प्यार करो ये कहकर डेली टॉर्चर करते रहता है। ए, आज खाने में क्या बना रही हो? कीमा बना रही हूँ। मटन मंगवाया क्या? लेने गया हुआ है। उसको मना कर दे, वो लड़का कौन है बता दे, उसका इधर ही कीमा बना दूंगा। इनमें से कोई नहीं है। कल्कि? हमारा कल्कि? अब एब, मटन लेके आने बोल। ठीक है। प्यारी खूबसूरत परी की तरह हो, पहली बार आई हो, अंदर आओ, कीमा खाकर जाना, तब तक कल्कि भी आ जाएगा, उसे पसंद है इसलिए कीमा बना रही हूँ। क्या आंटी, आप भी? मैं आपको उसे समझाने की बात कर रही हूँ और आप उल्टा मुझको ही समझा रहे हो। परी ने तेरा नंबर लिया यार। इसलिए यार? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? भिखारी की तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? तुम पागल हो गए हो? मैं यहाँ चिल्ला रही हूँ और तुम हंस रहे हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरी जान का बंदा मारो प्यार से लेने के। अरे मैडम कुछ भी नहीं,
वोडाफोन से जियो पे पोस्टपेड करवाना था। और वैलेंटाइन डे पे ये गाना भारत के सारे प्रेमी प्रेमिकाओं की तरफ से है। प्यार का देखो तो तुम्हारा ही शो सुन रही थी मैं। अरे यार ये तो रिकॉर्डेड है। सॉरी यार कल तूने साड़ी दी थी ना फॉल लगाने के लिए वो मैं कर नहीं पाई लेकिन हमेशा का करूंगी। कहाँ गई वो? अबे क्या हो रहा है भाई? वो माँ कबूतर नहीं दिख रही है। यहाँ पे कोई रग्बी खेलता है क्या? वो क्या होता है? दूसरों के लिए सिर्फ जीतने वाला कबूतर है लेकिन मेरे लिए ये मेरी माँ की तरह है। ये माँ है, तुझे अनाथ कभी नहीं बनाएगी। ये राजवंश का कबूतर है, आसानी से कोई इसका दिल नहीं जीत पाता। आप जैसे नेक दिल वालों का साथी बन सकता है ये। इसे ट्रेनिंग अच्छी मिले तो जबरदस्त उड़ता है। मैं इसका दिल जीतूंगा। अरे वही लड़की मुझे क्यों फोन कर रही है? देखता हूँ। बोलिए मैडम। कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि अगर हम कल कॉफी डे में मिल सकते हैं तो। कॉफी डे में? और मैं? कॉफी डे तो क्या, तुम बुलाओगे तो मैं टी डे पे भी आ जाऊंगा। कल टाउन हॉल के कॉफी डे में मिलते हैं। ये परी मिलते उस परी का भी फोन आ गया। आज से तेरा नाम भी परी है। गुड मॉर्निंग मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम? यू वांट मेनू कार्ड? वो लोग क्या पी रहे हैं? मैम कैपेचिनो एंड मोका। कैपेचिनो। Hey, परसों ना मेरे शो में एक गुंडा अपनी लव स्टोरी बता रहा था। गुंडे का भी लव स्टोरी? क्या है वो? तलवार बंदूक से नहीं डरने वाला है वो, लेकिन उसकी लवर की इंग्लिश से डरकर शहर छोड़कर कहीं भाग गया है। परी तुम भी यही वाला आइडिया क्यों नहीं फॉलो करती हो?
आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे इंग्लिश थोड़ी ना आती है। उसे आती है क्या? कोई चांस नहीं है, वही गया गुजरा लड़का है। ऐसा है तो तुम जो बात करो कि वही पक्की इंग्लिश होगी। पॉइंट तो है। ठीक है, वैसे तूने कभी वेस्टर्न कपड़े पहने? नहीं यार, मैंने कभी नहीं पहने ऐसे कपड़े। अब पहनना पड़ेगा। वन कैपुचिनो प्लीज। ओके मैम। अच्छे से ऑर्डर किया ना? कुछ ही देर में यहाँ कोई और आने वाला है। okay. उसके समय तुम ना यू टॉक ज्यादा इंग्लिश। ओके ओके मैम। ये इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आई है? सुपर्ब, पक्का 100 days। गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू सी यू सर। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? क्या क्या मिलेगा? कैपेचिनो, हॉट चॉकलेट, कोल्ड चॉकलेट, ग्रीन आइसक्रीम एंड स्पेशल मोका मोचो सर। अबे तेरी बोलती बंद कर, एसी में गर्मी लग रही है ना, एक गिलास छास दे दे। क्या छास? सॉरी वी डोंट हैव सर। इन्होंने क्या ऑर्डर किया है? कैपेचिनो। ओह, मेरा फेवरेट है, सेम टू सेम। ओके सर, एड लिटिल शुगर, शक्कर थोड़ी ज्यादा रखना। हेलो, वेर एवर आई गो यू फॉलो। वाई आई हच डॉग। फुल भाई, मुझे यहाँ बुलाने का मकसद क्या है? अब यू नो मीनिंग ऑफ फुल भाई? A woman carrying flower in टोकरी, she called full bhai. In America, she called flower woman. Yes, yes. I go to Jog Falls. There only I learn jig-jog and falls. You know, go there. No, you don't like water. I like water. Actually, one minute. Hello, sir. We are calling for loan. हाँ, क्या हुआ बच्चा? बच्चा नहीं सर, लोन। हाँ, मैं अभी आता हूँ। सर, सर आने की जरूरत नहीं, 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 आप सिर्फ डिटेल देंगे सर। आया, आया, आया। हम आ जाएंगे सर। परी, मैं भी इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। रामा विल टीच इंग्लिश। अगर मेरी क्लास में किसी का फोन बजा तो वो क्लास से बाहर जाएगा। क्या चाहते हो तुम? आसानी से इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। अच्छी बात है, क्लास में आओ। चलिए। A, E, I, अरे, ए के बाद O, कहाँ गए यार? U, A, E, I, O, U. A, B, C, D तो पता है, A, B, D पता है, ये क्या है यार A, I, O, U? तुम सही ढंग से सीख नहीं रहे। मुझे सीखना नहीं है, सिर्फ बात करनी है। हैं? क्या मतलब? Happy birthday, boss! आज भाई का बर्थडे है। तुम लोग मेरे चेले नहीं हो, बल्कि मेरे दोस्त हो। ये सब आज तुम्हारे लिए लाया हूँ। भाई, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना भाई। अरे टेंशन मत ले तू, समाज में हमको ये लोग फालतू गैंग कह के बुलाते हैं, पर देखना ये समाज हमें खुद सलाम करेगा। इस समाज में बड़ा बनने के लिए जो लोग हमसे ज्यादा बड़े हैं ना, उन्हें ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। उस बड़े भाई को टपका दें तो। भाई, ये तो नशे में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जान भी जाए तो कोई गम नहीं, उस बड़े भैया को तो टपकाएंगे अपन। प्लान के मुताबिक अगर बड़े भाई को टपका दें तो भाई गए तो सिक्का चलेगा। पक्का? ये सच कह रहा है।
जल्दी उस बड़े भैया का बर्थडे आने वाला है, उसके बर्थडे के दिन ही उसे ऊपर पहुंचा देंगे। ये अच्छा लग रहा है माँ। यहाँ कॉफी की दुकान कहाँ है? कॉफी की दुकान नहीं, कॉफी शॉप है। जीटी मॉल में थर्ड फ्लोर पर हाई फाई कॉफी शॉप है, बहुत मस्त है, बेस्ट कॉफी। अफे कॉफी। क्या सिस्टम है यार गुरु, कार तो बहुत मस्त लग रही है। Cool dude. अरे यार उसका पीछा करना। अरे कर रहा हूं ना। ब्रो कल शाम को मेरी गाड़ी मिल जाएगी ना? कूल डूड। एक मिनट, अफेक कॉफी कहाँ पे है पता है क्या आपको? तुम्हें मालूम है क्या? सॉरी नो आइडिया। सर हाँ बोलो सोना, ये दूसरी सोना है। यहाँ अफेक कॉफी कहाँ है पता है क्या? मुझे कॉफी वगैरह नहीं चाहिए। नाराज क्यों होती हो सोना? कहाँ होगा? वो ऐसे कॉफी नहीं है, हाई फाई कैफे है, यहीं ऊपर थर्ड फ्लोर पर। थैंक्स। क्या तुम कल्कि से मिलने आई हो? लगता है दोनों गेम खेल रहे हो। कोई बात नहीं, पागल प्रेमी हो। लेकिन कल्कि सबकी तरह नहीं है। जब से मेरे पति की जान बचाई है तब से हमारा बेटा है। तो फिर उसके माँ बाप? वो असल में रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। बेटे की बिजनेस के खातिर अपनी जायदाद को गिरवी रख दिया, बेटे ने धोखा दिया और वो सड़क पर आ गए। कल की अनाथ है वो। सब मिलकर एक परिवार बने। इस दुनिया को देखो, यहाँ हर ओर धोखा, फरेब, लालची, पैसों के पीछे भागने वाले लोग हैं, और इन्हीं लोगों में रहने वाला, सबकी भलाई चाहने वाला मेरा कल्कि है। वो एक तरह का जलती हुई आग में एक लोहा है। तुम एक लोहार बनो बेटा, जैसे चाहो उसे मोड़ पाओगी। अच्छे लड़के तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसके जैसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, सोच लेना। वाओ व्हाट अ कार। Hey dude, park the car. Okay sir. नसीब अच्छा है। आइए, एफए कैफे में चलते हैं। वैसे वो एफए कैफे नहीं है, हाई फाई कैफे है। हमारे इंग्लिश में हम ऐसी बात करते हैं। Follow me. मेरी स्टाइल में बात करना। Welcome, sir. You look awesome today. Thank you, sir. Thank you so much. अबे, किससे कह रहा है? लड़की से कह? Joke, huh? You look awesome today. Oh, thank you. Sir, your order, please. I'm regular here. Bring me one thalaiwa snacks.
फॉर यू ओह टुडे गुरु डे थर्सडे साई बाबा फास्टिंग गेट मी मंत्र रसायन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आया मुझे देन व्हाट एल्स हाउ वाज द डे पूछो उससे थोड़ा स्टाइल में देन व्हाट एल्स हाउ वाज द डे दीस डेज लाइक दिस नाइस ओह ट्रेन इट इज वेरी नाइस नो I go my home, always train go. I am practice like you are practice. Yeah, Actually, I am, you know. What this? This is Sai Baba ka prasad. Hey Bhagwan, English ki izzat tumhi bachao. You know, I am very sparing. half cutely clear. Andheri train stopping here. You like, you know, again train. Big people. All big people. And again train. Oh, yeah. उस दिन भी इसने ऐसे ही इंग्लिश में बात की थी. Like ये ऐसे ही इंग्लिश में टूटी फूटी बात करती है. Yeah, yeah. Second, you keep second. I like purple. I beat you, कहो उसे. I beat you. Thank you. Huh? You know? Hey, भगवान. And मैं जा रहा हूँ यहाँ से तुम दोनों बात करते रहो वही दोनों को इंग्लिश नहीं आती है वो कह कुछ और रही है और तुम जवाब कुछ और दे रहे हो प्लीज स्टॉप इट यू आर टॉकिंग रॉन्ग इंग्लिश कहकर उठ जाओ साथ में मेरा बिल भी देकर जाना नॉनसेंस ये मेरी भी इंग्लिश खराब कर देगी दिस मैन ओल्ड ओल्ड व्हाई लाफिंग यू आई डोंट लाइक लाफिंग आई डोंट लाइक क्राइंग प्लीज स्टॉप I know you don't know English. सिर्फ दो ही दिनों में तुम्हारी 26 अक्षर वाली इंग्लिश को चबाकर थूक चुका हूं मैं गोल्ड क्लास में सिनेमा देखने वाले को गांधी क्लास में देखना मुश्किल है लेकिन गांधी क्लास में देखने वालों को गोल्ड क्लास कभी भी मुश्किल नहीं लगता इंग्लिश जानने वाले सभी अगर बड़े होते तो अजय माल्या नीरव सोदी ललित मोदी कोई भी देश छोड़कर नहीं जाता हमारे हिंदी के 52 अक्षरों को बड़ी आसानी से बात करने वाले डॉक्टर भीमराव हमारे भगवान वो हमेशा के लिए अमर हैं। देखिए मैडम लव के लिए इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है इस गरीब के दिल का थोड़ा सा प्यार ही काफी है ये तो मैं देता ही रहूंगा लेकिन तुम भी दोगी ना मैं प्यार करता ही रहूंगा तुम नहीं करोगी मतलब मेरा लव फेलियर हो गया लव फेलियर हो गया लव फेलियर है और इन्हीं लोगों में रहने वाला सबकी भलाई चाहने वाला मेरा कल्कि है माँ आपके मुताबिक मैंने हमेशा अपने दिमाग की ही बात सुनी माँ लेकिन आज मैं उससे प्यार करने लगी हूँ माँ सिर्फ एक बार क्या मैं अपने दिल की बात सुन सकती हूँ उस परी का इस परी से जरूर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है हाँ बोलो मैडम मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ हाँ तो बात करो फोन पे नहीं पर्सनली मिलकर कल मिल सकते हो क्या कल तो बड़े भैया का बर्थडे है मंदिर में क्या मैं भी आ सकती हूँ अच्छा तुम आओगी क्या मैडम एक मिनट उतरोगी क्या इस सड़क का काम चल रहा है बाएं ओर ओह लगता है इंग्लिश में कुछ तो लिखा हुआ है मैं सुबह तो इसी रोड से गया था ना तब तो रोड अच्छा ही था सुनो मैं आज उसे अपने दिल की बात कह दूंगी लेकिन तुम भी उसे कहो ये भी तो मेरे साथ है ठीक है दोस्तों को फोन करके देखता हूँ
कल की। हा? मैंने बहुत सोच कर देखा, मेरे पसंद के लड़के तुम नहीं हो, लेकिन मेरा दिल मेरे दिमाग की बात मान ही नहीं रहा। आज मैं समझ गई कि प्यार क्या होता है। अगर तुम मेरे लिए बदल सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए बदलूंगी। सुनो, आज मैं इसे बता दो क्या, तुम्हारा जादू मुझ पे चल गया कालकी। आई लव यू कालकी। अभी तुमने मुझसे आई लव यू कहा, जुबान हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। वो कल तुम कुछ दिल और दिमाग की बात कर रही थी ना, अगर आगे चल के तुम बदल जाओगी तो मैं तुमसे प्यार कैसे करूंगा। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, तुम हमेशा मुझे फॉलो करते रहोगे और मैं तुम्हें गालियां देती रहूंगी, क्या यही तुम्हारे लिए प्यार है? ए, 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 मेरे बारे में जानती क्या हो तुम, मुझे किस दिन कहां कैसे किस वक्त क्या होगा मुझे भी नहीं। तेरा खून बहुत नमकीन है, अच्छे से जान ले, खून में सिर्फ नमकीन नहीं मर्दान के भी बहुत ज्यादा ही है। कौन कौन बचा है, एक एक करके सामने आओ। गुरु, बड़े भाई को टपकाना था मगर तू आ गया। बर्थडे की दावत के लिए बहुत सारा मटन चाहिए था, काट कर ले जाऊंगा। आओ कमीनो। बराबर जगह पर डाला, हाथ की हड्डी में जबरदस्त लगा। छोड़ दे, तलवार उठाने दो, देखते क्या करता है। अरे ताकत ही नहीं बची होगी हाथ में। आजा। अगर मुझे जिंदा चाहती हो तो इस हथियार के साथ बांधो। बांधो। ठीक है। ये देखो, यहाँ पर शादी हो रही है, उसके हाथ में बांध रही है। आज शादी और आज ही विधवा। अच्छा देख क्या रहा है। अरे आ जा रे, सिर्फ दिखा क्या रहा है। तुम जाओ यहाँ से। सुन लो, सिर्फ 9 लोग हो और 9 मिनट है तुम्हारे पास। तुम जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। जाओ काना, जाओ।
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हथियार ढीला हो गया, कस के बांधू? कल के मौत से डरने की जरूरत नहीं है, बच गया तो देखा जाए तो आज मैंने तेरा कर्जा उतार दिया। पुरंदर को तो भाई ने उड़ा दिया, अब भाई को भी उड़ाना पड़ेगा। लगता है भाई आ गए। ए, तुझे दिखता नहीं है क्या? वो इंस्पेक्टर है। राम जी हथियार देना, इस हथियार को पकड़ने में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। राम जी पिछवाड़े में दागना तो सुना था लेकिन कभी देखा नहीं। अरे सुनो सब लोग पैंट खोलो जल्दी। मजाक कर रहे सर। ऐसे सिगरेट है सर। इन पे गांजा का भी केस डाल सकते हैं सर। ए, जो करना था वो कर चुके हो, फुल मर्डर करना छोड़कर हाफ मर्डर करके आए हो, मेरा क्या यूज होगा बताओ? हमने कुछ नहीं किया है सर। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है? नहीं किया सर। हाफ मर्डर करके हथियार वहीं छोड़ के आए हो, इसमें तुम लोगों की फिंगरप्रिंट्स भी हैं। इतनी टेक्निकल डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए यार। आधा अधूरा सीख कर किसने मर्डर किया है? तूने किया है? तूने किया है क्या? कैसे पकड़ना? नहीं, पकड़ना यार सर। तूने साउथ की फिल्में नहीं देखी है क्या? हथियार पकड़ना भी नहीं आता है तुझे? रिसेंटली कौन सी साउथ की फिल्म देखी है तूने? सर, सर, सिंघम सर। अबे पकड़ना यार, कस के पकड़। इधर आ जा, आना इधर। संभल के, संभल के। ऐसे ही मारा सर तूने, ऐसे मारने से फायदा नहीं होगा यार। अबे मारना मारना, ठीक से मार। पुलिस को ही मार दिया तूने, कमाल की डेरिंग है, पुलिस को मार दिया इसने। तुझे तो मारना ही पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पे हमला करता है, वो भी एक पुलिस वाले पे। सर गलती हो गई सर। ए सब बैठ जाओ, बैठ जाओ सब। गलती हो गई सर। सर माफ कर दीजिए सर। सर 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 सर। किसी भी फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होता है? भाई गिरी मत कर, सब कुछ छोड़ दे, यही कहते हैं ना। ए ये सारी चीजें देख के ऊब गया हूँ यार, कुछ नया करना। राम जी जब मैं यहाँ आया था तो मैंने आपसे कुछ कहा था ना सर? पिछवाड़े पे धागने का कुछ बात कर रहे हैं। क्या देख रहे हो? जाओ तुम लोग, बैठ जाओ तुम लोग। बैठ नहीं पा रहे। लेकिन क्यों? नहीं छोड़ूंगा भाई, उस इंस्पेक्टर की तो वॉट लगा दूंगा। अरे नहीं यार, छोड़ देते हैं, ये सब कुछ छोड़ देते हैं। भाई आपका नाम कहीं पर भी नहीं लिया भाई। तुम लो या नहीं लो, पर वो सीधा मेरे पास ही आएगा। ये सही नहीं है, वार्निंग भी मिल चुकी है। कुछ सालों के लिए तुम अपने अपने गांव जाओ, मैं अपने गांव जाता हूँ। सुना, हमें बहकाने वाला यही है। हर मुश्किल का सामना करके इसे हमने बचाया, अब जब इसे ही हमारी परवाह नहीं है तो इसकी परवाह करने की हमें क्या जरूरत है? हे, देख क्या रहे हो, मारो इसे। अरे तेरी तो ए, चल अंदर, क्या कर रहे हो ये? चल 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 अंदर, क्या कर रहे हो ये? मक्का वाले बैठक को मिल गए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, काट 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 इसको, काट। ए कल्कि रुक जा। ए, ए क्या कर रहा है? तुम इसे रोक क्यों नहीं रहे? ये दारू बिल्कुल नीट पी रहा है। हाँ, हर बार मैं प्रपोज कर रहा था और वो मना कर रही थी। हाँ? लेकिन इस बार उसने खुद प्रपोज किया यार, और मैंने मना कर दिया। और तो और इसी हाथ से उसके गाल पे थप्पड़ भी मारा।
मतलब अब वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, वो कहीं भी रहे बस खुश रहे। ए, लव फेलियर फीलिंग पाने के लिए तुम उस लड़की को तंग कर रहे थे, उसका नशा छा गया तुम पे। अब वो कहीं भी रहे, खुश रहे, उसकी भलाई चाहते हो तुम। ये है असली प्यार जो तुम्हें हो चुका है। शेर है, बहते पानी का किनारा कहाँ, उड़ते पंछी का ठिकाना कहाँ, मानो ना मानो अब तुम दोनों को सच्चा प्यार हो चुका है। ए, क्या हुआ खा लो। क्यों, तेरी नजर तेज है या मेरी नजर तेज है, यही सोच रहा ना तू? अभी तेरा हाथ ठीक नहीं हुआ क्या कल की? एक और हफ्ता ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये हाथ जाम हो गया है, जल्दी से हथियार उठाना चाहता हूँ। ओह, लोमड़ी को शेर की चिंता होती है और शेर को? हाँ, इस बार मैं इस मुकाबले में कबूतर उड़ा सकता हूँ। कल के जैसे मेरे घर के देवता है ना, कबूतरों का मुकाबला भी वैसा ही है। ये खेल आजकल का नहीं है बेटा, ये कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। कई साल पहले यानी राजाओं के जमाने में संदेश को पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल होता था। अभी होता यह था कि युद्ध के टाइम पे संदेश पहुंचाने वाले कबूतर थक जाते थे, इसके लिए आराम करने बैठ जाते थे, तो खबरी लोग उन कबूतरों को मार के संदेश चुरा लेते थे। इसकी वजह से कई राजाओं को हार का मुंह देखना पड़ा। अब उस वक्त के राजाओं ने कौन सा कबूतर बिना रुके ज्यादा देर तक आकाश में उड़ सकता है, ये जानने के लिए कबूतरों की रेस शुरू कर डाली। उधर ही से शोकदार का जन्म हुआ। आगे चलकर यही खेल बहुत से राजघरानों का इज्जत का सवाल बन गया। वो इज्जत नफरत में बदलकर खून खराबे का नया खेल बन गया। बस जमाने गुजरते गए और एक खेल में बहुत से बदलाव करके कबूतरों की रेस आज भी होती है बेटा। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं होती है, दुनिया के अलग अलग देशों में भी इन कबूतरों की रेस होती है। इसके पीछे इतना बड़ा इतिहास है मुझे पता नहीं था। इतने दिन मैं सिर्फ शोकदार बनना चाहता था, लेकिन आज के बाद नंबर वन शोकदार बनूंगा मैं। वो इंस्पेक्टर। ओ, हाँ भाई। तुम कितने क्यूट हो। तुम कितने क्यूट हो। ओ, परी आ गई है। मैंने दिया तो नहीं खाया, लेकिन अब खा रही है। ये तीन दिनों से दाना नहीं चुग रही है, ऐसा कल्कि ने कहा। अब देखो तुम्हारे हाथों से खा रही है। माँ जी, उस दिन मैं आपके पास आकर कल्कि मुझे कितना टॉर्चर करता है इसके बारे में कंप्लेंट कर रही थी। उस दिन आपने कहा कि कल्कि आपका बेटा और मैं आपकी बहू हूँ। इस बात को मैं अब सच करना चाहती हूँ, लेकिन अब उसे देखिए ना, मुझे देख कर भी अनदेखा कर देता है वो। परी को परी पसंद आ गई है, तुम्हें क्यों पसंद नहीं आ रही? मुझे फेल होने में मिलने वाली खुशी पास होने में नहीं मिलती। कचरे का कूड़ा ही मेरा पालना था, अंत में एक दिन कचरे की कूड़े में मेरा अंत हो सकता है। मुझे कब कहाँ किस मोड़ पर क्या हो जाएगा। चुप रहो, अनाप शनाप मत बोलो, हम सब तेरे साथ नहीं क्या? कॉफी पियो। अरे उसे अच्छे से पिला पाने, कॉम्पिटिशन में जीतने का है। ठीक है भाई। भाई, कबूतर प्रतियोगिता का कार्ड आया है। भाई, मेन स्पॉन्सर आप ही हैं। फोन किया था, मैंने सब कुछ बता दिया है। ए, कुंजा कितने घंटे उड़ सकता है? भाई ये 7 से 8 घंटे तक उड़ता है। अच्छा, और किस किस को उड़ाया था? भाई बुक्की, लारा, सिल्वर तीनों रेडी हैं भाई। माँ जिसे आशीर्वाद देगी उसी को उड़ाना चाहूंगा भाई। इस बार कौन से नए खिलाड़ी आने वाले हैं? हम्पा शिकरा बहुत साउंड कर रहा है भाई। ये कोड़ी पंजा, छोटा प्रकाश इतने खास नहीं है भाई। इस बार जीतने का चांस अपना ही है भाई। चांस तो है दूसरों के लिए, लेकिन जीतना हम लोग को ही है। ठीक है भाई। कबूतर प्रतियोगिता के नियम सुन लीजिए। उड़ने वाले पंछी को गिरकी होना चाहिए, मतलब उसे पलटी जरूर मारना चाहिए। अगर कोई पंछी पलटी नहीं मारता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। कबूतर उड़ाते समय कोई दूसरा पंछी उसके साथ नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई उड़ने लगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। मैदान के चारों तरफ किसी भी तरह की साड़ियाँ, झंडे या पोस्टर्स लगाना मना है। पंछी को उड़ाने के बाद हर घंटे में उसका बाजीगर अपने पंछी को रेफरी को दिखाएगा। अगर मौसम खराब होता है
और प्रतियोगिता उस दिन के लिए रद्द की जाती है तो मुकाबला अगले दिन होगा। अगर उड़ने वाला पंछी प्रतियोगिता के बाउंड्री वॉल को छोड़कर दूसरे किसी जगह पर बैठता है तो उस पंछी को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पंछी उतरते समय अगर अंधेरा होगा तो कबूतर के लिए लाइट का इंतजाम किया जाएगा। शिखरा, आसमान में ना सिर्फ कबूतर पर शिखरा भी उड़ता है। एयरपोर्ट के रनवे पर कबूतरों को अवॉइड करने के लिए शिखरा नाम के परिंदे को लाकर छोड़ दिया। सभी उड़ने वाले पंछियों को पालते हैं, पर मैंने इन पंछियों को मारने वाला शिखरा को अपना लिया। ये क्या जानता है? कबूतर का गोश्त है। मैं चिकन खाऊंगा और तू कबूतर का गोश्त खाएगा। खाले जान बना। टाइम चेक कर लीजिए। शिखरा पंछी 11 घंटे और 22 मिनट उड़कर वो सारे पंछियों से आगे है। क्या यार, सोचा था पूरी रात उड़ोगे, लेकिन कोई बात नहीं, जीतेगा तू ही। ए पानी पिला रहे इसको, ऑर्डर की हुई सारी लाइट्स कैंसिल कर दे। अभी भी उड़ रहा है भाई। पिंजरे में घुटन महसूस हो रही होगी। जा कबूतर का गोश्त खा, जा ऐश कर। Ma! Ma! Ma!
शेर खान से इस शिखरा पंछी का जरूर कोई तो रिश्ता है। कार में पिंजरा खाली क्यों है? भाई, माँ कबूतर को शिकरा ने कल मार दिया। क्या? माँ कबूतर को? हाँ भाई। उसके बदले कोई दूसरा कबूतर उड़ रहा है क्या? इस कबूतर को तुम उड़ाओ कल की। हाँ, मैं उड़ाऊं? आपके रहते हुए मैं कैसे भाई? आपकी चाहत है, इच्छा भी है, आप सच में उड़ा सकते हो। दोनों मिलके कोशिश करते हैं। हमारे भाई की तरफ से तेजा शौकदार बुक्की नाम के कबूतर को अभी सुबह के 6:30 बजे उड़ा रहा है। आप सभी लोग ताली बजाकर उस कबूतर का हौसला बढ़ाइए। आशीर्वाद दीजिए बड़े भैया। अरे तू ही जीतेगा। मस्त है ना ये ले। शिकार दे। विनय, पंछी दिखाओ। आया भाई। भाई, वो देखिए, वहाँ पे इस तरफ, वो राइट साइड वाला। 6:07 हो चुके हैं, पंछी अभी भी हवा में कलाबाजी दिखा रही है। उतर गए भैया। कितने घंटे उड़ा ये पंछी? 11:07 से उड़ रही है। मतलब जीत तो अपनी हुई ना। 8वें राउंड में लीडिंग वाला शिखरा पंछी से 15 मिनट कम उड़ा है भाई। चल जाने दे, पंछी को क्या मालूम। मालूम होता तो 20 मिनट एक्स्ट्रा उड़ता ना। तेजा टीम से माँ पंछी के बदले में दूसरे पंछी को उड़ाया जाने वाला है। कल के आया क्या कालू? नहीं आया भाई, वो खुद उड़ा रहा है ना। माँ पंछी के बदले में आने वाला कबूतर इस साल का आखिरी स्पर्धी है। तैयारी तो हो गई है ना? कल्की की गाड़ी है भाई। देखा भाई आपने, कल्की हमारे अड्डे पे नहीं आता है मगर पूरे शहर में घूमता रहता है। पंछी जब उड़ना सीख जाता है ना, उसे घोंसला कहाँ याद आता है। ए, क्या कर रहा है? मंदिर में गन नहीं लेके आने का याद नहीं है क्या? क्यों तेजा, टाइम पूछने आया है क्या? जी हाँ बड़े भैया, आप तो जानते हैं कि माँ कबूतर को वो शिखरा आकर
इसीलिए दूसरे कबूतर को उड़ाने के लिए टाइम पूछने आया हूं भाई। ये कल्की पंछी उड़ा सकता है ऐसा विश्वास है क्या तेरे को? जी हाँ बड़े भैया, ये पंछी उससे बहुत मिलजुल चुकी है, वो जरूर उड़ाएगा। सब लोग सोच रहे हैं कि भैया बड़े गुस्से में है, कल्की पंछी उड़ा रहा है लेकिन मुझे एक बार भी नहीं बताया। उसने क्यों नहीं बताया मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसे पंछी उड़ाना बहुत पसंद है। अगर मैं मना कर दूंगा तो भैया की बात के खिलाफ कहीं ना चला जाऊं, ऐसा डर लग रहा है उसे। सब लोग कल्की को मेरे बेटे जैसा ही कहते हैं। मेरी भी कोई औलाद नहीं है, वो मेरे बेटे जैसा नहीं है, कल्की मेरा सगा बेटा है। उसे जीतना ही होगा, उसकी शोकदार बनने की इच्छा पूरी होगी। बड़ा शोकदार बनेगा वो। हाँ अब कहाँ है वो? मैं आपके पैर पकड़ के जीभ भर के रोना चाहता हूं, लेकिन आपको ये एक्टिंग लग सकती है भाई। तेरी जगह सिर्फ यहां पर है, वहां पर नहीं है। इसमें तेरी भी लाइफ है और मेरी भी लाइफ है। तुम उड़ोगी तो ही मैं उड़ूंगा, तुम मरोगी तो मैं भी मरूंगा। जय बजरंग बले। ऊपर दुश्मन उड़ रहा है, तू संभाल के खेल, कबूतर का बिरयानी खिलाता हूं। मैं ये नहीं देख पाऊंगा। क्या हुआ भाई? जस्ट मिस। भाई हाँ क्या हुआ? कबूतर ने शिकरा को चकमा दिया। क्या? क्या हुआ भाई? जो होना था वही हुआ, शिखरा मर गया। भाई शिखरा, शिखरा। शिखरा, मेरा शिखरा। भाई पैर पर ब्लेड बांध दिया है। Hey!
एक नंबर था भाई, ऐसा गेम जिंदगी में नहीं देखा था। कांग्रेस, इतने सालों के इतिहास में कबूतर शिखर को मारना यही पहली बार है। तुमने पहली बार बाजी लगाई है ना, अच्छी प्लानिंग की है तुमने। नंबर वन शोकदार बन गए हो तुम। खुद में दम नहीं तो कबूतर को ब्लेड बांधते हो। शिखरा को धोखा दिया तुमने, कबूतर के पैर में ब्लेड बांधा। किसने किया ये सब कुछ? क्या चल रहा है इधर? मुझे धोखा दिया, कबूतर के पैर में ब्लेड बांधते हो, मुझे मामू समझा है क्या? किसने किया? सब कबूतर के पैरों में रिंग बांधते हैं, मैंने ब्लेड बांध दिया। वैसे भी मैंने दूसरों के कबूतरों को नहीं मारा ना, मैंने तो मारा है शिखरा को। कौन है रे तू? सांप को खिलाने वाले को सपेरा बोलते हैं, बंदर नचाने वाले को मदारी बोलते हैं, और लोगों को जादू दिखाने वाले को जादूगर कहते हैं। लेकिन सामने खड़े दुश्मन की छाती चीरने वाले को शेर का बच्चा कहते हैं। भैया पुलिस आ गई। आज पुलिस की वजह से बच गया, तो नहीं तो काट के कुत्तों को खिला देता। मेरी बात सुन, यहाँ पे लफड़ा नहीं चाहिए, हमारे पास पुलिस की परमिशन भी नहीं है। कबूतर को उतार दे। मेरी जान को तूने बचा लिया परी, इस खुशी के लिए हमें कुछ तो करना होगा। चलो लेट्स हैव द पार्टी। अरे यार धीरे धीरे से आ जाओ डांस करेंगे। चोर कैसा है? वेरी गुड। क्या यार तू तो फुल कबूतरबाज बन गया है, और इस खेल का मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो ये लव फेलियर क्यों, सक्सेस भी होने देना। जुमान जी, कबूतर पिंजरे में रहने से बेहतर है उसे उड़ते रहना चाहिए ऊपर। आजकल मिलने वालों से बेहतर अच्छे से पालने वालों के साथ रहना चाहिए। दे देना भाई, इससे पैसे के बारे में मत पूछ। पैसा दे देना यार। ए, जो लिया वो वापस नहीं दिया, सिर्फ कहानी सुनाता है। पुराना सब मिलाकर एक साथ दे दूंगा, दे देना यार। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? नशे में नहीं रहता है तो अलग ही बात करता है। सब मिला करके दे दूंगा ना यार। ऐसा नहीं है भाई, मैं पैसे नहीं दूंगा। नहीं दूंगा बोल दिया ना यार। रुपए ओके, वी विल मीट टुमारो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हॉस्पिटल जा रहा था, मेरे एक दोस्त को ब्लड चाहिए था, इसलिए मैं 400 रुपए मांग रहा था। हॉस्पिटल में शराबियों का खून तो नहीं लेते हैं? मतलब वो जो मेरा दोस्त है ना, उसने पी करके एक्सीडेंट कर दिया है। सो पीने वालों को पीने वाले का मैच करता है ना वो। हाँ तो चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। वो हॉस्पिटल जाना था कहीं, वो पब चलें क्या? क्या ढूंढ रहे हो? मारने के लिए औजार ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें तो ना, रुक जाओ। ये क्रिकेट बैट ढूंढ रहा है खेलने के लिए। अरे अरे सुनो मैडम, आपके लिए पार्सल लेके आया हूँ, दोबारा मेरा पीछा मत करना। अंकल जी कैसे हो? ये क्या नर्स को बुलाया है आपने? ये आचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग से है, प्रैक्टिकल के लिए आई हैं। इससे ये सीख जाएंगी और पापा की तबीयत भी ठीक होगी। ये क्यों? मैं था ना, मैं सेवा करता इनकी। ये व्हील चेयर यही लेकर आई हैं। ओ, ये थोड़ा अपने को कॉस्टली पड़ता। बेटी मुझे बाहर जाना है। क्यों पापा? वो इसलिए कि वो... इस हालत में आप बाहर कैसे जा सकते हो? रुकिए मैं आती हूँ। वो क्या है? लेकिन बेटी Thank you.
मैं किसी के काम ना आ सका, मेरी जिंदगी वेस्ट है। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं किसी के काम ना आ सका। पापा आप ठीक तो हो ना? पापा अकेले में बड़बड़ा क्यों रहे हो? आप काफी दिनों से बाहर नहीं गए हो तो मैं शराब आपको घर पे ही ला कर दूं? पापा आप क्यों रो रहे हो? पैरों में दर्द हो रहा है क्या? दर्द जिस्म में नहीं है बेटी, दिल में है। पापा जब तुम छोटी बच्ची थी तो तुम्हारे छोटे छोटे पैरों में चम चम करती पायल मैं नहीं पहना सका। सुंदर से चेहरे पर काजल नहीं लगाया, पापा बाल नहीं बनाया, फूल नहीं लगाया, तेरा हाथ पकड़कर मैं कभी स्कूल नहीं ले गया। पापा ये सब बातें अभी क्यों पापा? बेटी मुझे देखकर तुम्हें कभी घिन नहीं आई मुझसे? तुम्हें कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं? पापा जब हमें दुख होता है तो हम भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं क्या? यहाँ देखिए आप तो मेरे लिए भगवान है पापा। बेटी बाप बेटी का प्यार अनमोल होता है। सॉरी लगता है डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं सर, आप आइए ना। अब कैसा लग रहा है सर? दर्द दूर हो गया बेटा, अब अच्छा लग रहा है। सर सांप नेवले की तरह थे, दारू चखने की तरह कैसे बन गए? शराब की बात किस लिए बेटा, तुम दोनों बैठकर बात करते रहो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। पापा बैठिए ना, मैं लेकर तुम बैठी रहो बेटा, मैं लेकर के आता हूँ। अच्छा सुनिए, इसका फॉल्स वर्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, जल्दी हो जाएगा ना? ओके। वैसे मैंने आपको प्रपोज किया था पर मैं आपकी लाइफस्टाइल को सूट नहीं करूंगा, ऐसा कहकर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। देखिए बॉर्डर पर इस कलर को मैच कर दीजिए। मैं अपने दिल की बात मानता तो मुझे बहुत लड़कियां मिल जाती, लेकिन मैंने हमेशा अपने दिमाग की बात मानी। वो आपके अलावा मुझे और किसी को दिखाई नहीं रहा, तो जल्दी बताइए, मतलब जल्दी दे दीजिएगा। ठीक है मैं चलता हूं। अरे आप जा रहे हैं, कॉफी पी करके जाइए। आगे चलकर मुझे आपके घर में बहुत कॉफी पीनी है, मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है, बाद में मिलता हूं सर। पापा ये लीजिए। ए क्या है? ए छोटू मेरे पापा को बेरहमी से मारा तुम्हारे उस दोस्त कल्की ने, उसका क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने? मेरे पापा कितने भोले हैं और इतने अच्छे इंसान के साथ ये किया? वो राक्षस है या इंसान, उसका कभी भला नहीं होगा, सर्वनाश होगा उसका। बोल लिया, अब मेरी भी सुनो। दूध अगर उबल कर गिर जाए तो उसे अशुभ माना जाता है, लेकिन उसी दूध को हम भगवान शिव पर भी चढ़ाते हैं और वो शुभ होता है। कल्कि भी वैसा ही है, वो खुद को धोखा दे सकता है लेकिन अपनों को धोखा कभी नहीं दे सकता। तो ऐसा उसने क्या अच्छा काम किया है? हजार अच्छे काम किए हैं उसने। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो चुका है, कल्कि ने तुम्हारे पापा को सुधारने के लिए मारा था। परी तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 22 साल ना? पिछले 22 सालों में तुम्हारे पापा को तुम्हारी परेशानी तकलीफें कुछ समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ में आने लगी। परी तुम्हें यह सोचना होगा, तुम्हारी तकलीफों को दूर करने के लिए कल्कि के पास सिर्फ यही रास्ता बचा था। सड़कों पर शराब पीकर बदहवास पड़े रहने वाले तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए अच्छे हैं, लेकिन उनका पैर तोड़कर उनकी जिंदगी सुधारने वाला मेरा दोस्त कल्कि बुरा हो गया। 2 दिन में तुम्हारे घर में एक बार नर्स जरूर आती है, उस नर्स को कौन भेजता है पता है? कल्कि। देख कल्कि, गुंडागिरी का बाजार अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह होता है, आसानी से बाहर नहीं निकल सकते इससे। मैं तो छोड़ दूंगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कबूतरों की खातिर इंसानों को मारा, सबके मन में डर पैदा किया, मणि को मारा,
शौकत अली को खत्म करने के बाद यह धंधा ही छोड़ देना चाहता था, लेकिन सिर्फ तेरे लिए टॉप गैंग पर मैंने गोली चलाई। और अब शिखरा ऐसे ही चलता ही जाएगा, सब कुछ छोड़ देंगे हम। सैनिक चाहे तो जान छोड़ सकता है, लेकिन युद्ध नहीं छोड़ सकता। ये क्या कह रहा है तू? हाँ, क्या अपने आप को कश्मीर बॉर्डर का सैनिक समझ रहा है तू? चुपचाप अपने फार्म हाउस की देखभाल करेगा तू, समझ ले। वो किसी लड़की के पीछे पीछे घूम रहा था ना तू, उसी लड़की के साथ तेरी शादी करवा दूंगा। इंद्राणी, उस लड़की से बात कराओ मेरी। नहीं जी, मैं खुद करूंगी। आपकी आवाज सुनेगी तो बस खत्म। तुम्हें पसंद नहीं तो अभी बता दो, बाद में ऐसा वैसा मत बोलना। अब सरकार के फैसले को मैंने कब मना किया है? ओहो, दूध पिता बच्चा। कल अंबाजी के मंदिर जाकर प्रसाद लेकर आऊंगा मैं, तुम उस लड़की को आने को बोलो। ठीक है, बोलती हूँ। सुन, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या है माँ जी? तुम मेरे घर की बहू बनकर आने वाली हो। हाँ बोलना यार। कलकी भाई, बड़े भाई को उठा लिया, आज सुबह ही उठाया है। सुबह सुबह कुछ भी मत बोल, चल फोन रख भाई। अरे भाई। फोन रख। विजय, बड़े भाई की मौत हो गई कलकी। क्या बोल रहा है यार? अंकल, जूस? मैं जूस भी नहीं पीता जी। लीजिए 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 लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, आपको लीजिए लीजिए ना। बेटा, लड़की बहुत सुंदर है। ये मेरी बेटी है पारी, पारी जाता। सिर्फ नाम से ही नहीं, सहनशीलता में भी कली की तरह है।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, आपके घर की कली को अपने घर में फूल बनाकर रखूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। पापा, ये सब क्या है? ये एक मिनट, धरा बेटी। परी जी, सिर्फ एक बार अपनी माँ की बात मानकर दिमाग की बात सुनिए, लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। पापा, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? पापा, तेरी शादी की बात करने। हाँ? वो लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है ना बेटी? आप क्या बोल रहे हैं पापा, सिर्फ उसके प्यार करने से क्या होता है? तेरे पसंद का लड़का तुझे मिलेगा तो बेटी, देख बेटी पारी, कल की तलवार का गुलाम है बेटी, तलवार कब तक साथ देगी किसको पता, लेकिन जान लेने वाले की जान जाती है। मेरी बात सुनना, ये लड़का पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार भी है, इससे शादी करोगी तो तुम खुश रहोगी बेटी हमेशा। हो सकता है पापा, लेकिन मैं ये शादी नहीं। मना मत कर बेटी, देखो इतने सालों में मैं कर्जदार बनकर था, लेकिन इस जिंदगी में पहली बार मुझे दान करने का सौभाग्य मिल रहा है बेटी, वो भी कन्यादान। इस शुभ घड़ी से मुझे दूर मत करना बेटी, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं पापा? मेरी शादी फिक्स हो गई है। मेनी मोर मैरिड लाइफ। तुम्हारा डिसीजन फाइनल है? नॉन वेज होगा तो आऊंगा, वेज होगा तो नहीं आऊंगा। परी, पत्थर दिल इंसान के पास तुम मत रहना। हेलो। हेलो। अच्छा, आप राम प्रसाद जी के बेटे बोल रहे हो? मैंने ही उनको सड़क पर छोड़ दिया था, मुझे उनकी सेवा करना चाहिए था। आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हो, उनका मरना ही बेहतर है। सर प्लीज सर, ऐसी बात मत कीजिए सर। ज्यादा नाटक मत करो, अगर वो होते तो क्या तुम उनकी सेवा करते? मैं जरूर करता उनकी सेवा सर, लेकिन अभी करने के लिए वो जिंदा नहीं है। भगवान सबको दो दो मौके नहीं देता, मेरे जैसे को तो पहला मौका भी नहीं दिया, लेकिन आपको दूसरा मौका मिल रहा है, आपके माँ बाप मेरे पास हैं। क्यों बुलाया भाई? दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, उस बड़े भैया ने मेरी इज्जत कचरे में मिला दी थी, ये लोग उसे मिट्टी में मिला है। भाई कल की बचना नहीं चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। मेरे करवाए गए शूटआउट में बड़े भैया मिस हो गए थे, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया, अब नेक्स्ट टारगेट है कल की। अब तक हम शेखा की बात सुनते थे, लेकिन अब शिकरा आया है, इसकी क्या जरूरत है? अगर हम दूसरों की बातें सुनेंगे ना तो बाजार में बच्चे बनकर रह जाएंगे। कल्कि को अगर शिकरा ने खत्म किया तो शिकरा का ही बाजार रह जाएगा। तो फिर बाजार को अपना बनाना हो तो कल्कि को हम मारेंगे। कल्कि को शिकरा खत्म करेगा और शिकरा को हम। नमस्ते भाई। बैठ जाओ। अच्छा भाई, परी को देखा तूने? नहीं भाई, हर जगह ढूंढ लिया है भाई, लेकिन कहीं नहीं मिली वो। नहीं मिलेगी, मुझे पता है नहीं मिलेगी। उस परी को छोड़ देने से ये परी भी छोड़ के चली गई, अपने ही हाथों से मम्मी पापा को अलविदा कर दिया, बड़े भैया मुझे छोड़कर चले गए। मैं कहना तू यार, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मरना होगा, मुझे मरना होगा भाई। नहीं भाई, जिन लोगों ने अपने बड़े भैया को मारा है उन्हें मारने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। हड्डी डालू यार।
मैं जानता हूँ तूने मुझे मारने के लिए खाने पे बुलाया है। इस बार माँ की यात्रा का खाना जरूर खाना, मिस मत करना। मिस मत करना यार। हा? अरे यार, तूने दुश्मन से हाथ मिलाया है मैं जानता हूँ, तो मुझे यहाँ बुलाकर मारने वाला है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि बड़े भैया को किसने मारा। खाना बहुत अच्छा बनाया ना, कुछ और चाहिए तो बोलिएगा। क्यों भाई, बियर?
छोड़ दे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दे मुझे। बड़े भैया को मारते वक्त ये डर कहाँ गया था? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने उन्हें नहीं मारा, उस गैंग के लोगों ने उन्हें मारा है। मुझे बचा लो। अरे शिखरा को क्यों मार दिया? वो कल के अभी भी जिंदा है, मैं देख कर आ रहा हूँ। अब कैसा है वो? उसकी सांसें चल रही है, वो अभी भी जिंदा है, वहीं पे पड़ा है। अरे इसको क्यों मार दिया यार? जो होना था वो हो गया, शिखरा तो गया, अब कल की को भी खत्म कर देंगे। कबूतर को पिंजरे में रहने से ज्यादा उड़ते रहना बेहतर है। सिर्फ देखने वालों के पास रहने से ज्यादा जो ख्याल रखते हैं उनके पास रहना चाहिए। मैं समझा नहीं। मतलब मैंने उसे सताने के लिए प्यार किया था। हाँ। लेकिन रियल लाइफ में उससे प्यार करने वाला एक ही हीरो है। ये क्या कह रहा है? वो एक फैशन डिजाइनर है, वो उससे बहुत प्यार करता है। किसी का वेट कर रहे हैं? हाँ, वो एक बहुत ही खास इंसान है, अब तक नहीं आया इसलिए बेचैन हो रहा हूँ। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। वो कौन है मैं जान सकती हूँ? एक्चुअली उसी की वजह से आप मुझे मिली हैं। वो आपका दोस्त है या दुश्मन मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे उसके बारे में आपको बताने से मना किया है। मैं तो आपको पाने के लिए तड़प रहा था, तभी आपका दिल जीतने का तरीका उसने मुझे बताया। बताया कि दिल से बड़ा दिमाग होता है, और मैंने आपको हासिल कर लिया। आप रो क्यों रही हैं? आपने शायद कई सारे लड़के देखे होंगे जो अपने प्यार के लिए सिगरेट शराब सब छोड़ देते हैं, लेकिन अपने प्यार को कुर्बान करने वाला लड़का देखा है? अगर मैं उससे शादी कर लूंगी तो जीतू नाम के लड़के का दिल दुखने वाला है, इस बात का मुझे बहुत अफसोस होगा। लेकिन मैंने आपसे शादी कर ली तो पूरी जिंदगी अपने प्यार को धोखा दिया है, यही सोचकर पश्चाताप करती रहूंगी। मुझसे नहीं होगा। परी जी, परी को, परी। आप उनसे शादी करने के बाद मुझे याद मत कीजिएगा। अगर आपकी याद आई तो मैं मायूस हो जाऊंगा, ऐसा भी मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आप खुशी से रहेंगी तो मैं भी खुश रहूंगा। ऑल द बेस्ट, अब जाइए। मैडम
तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी? वो सब छोड़ो, कल की कहाँ है बताओ। मेरी बात सुन। पर जाने की तैयारी कर ले। इसी वक्त। मैं इस पल का इंतजार कब से कर रहा था। मार मार मार। एक दो तीन, चौथा बुलेट तेरे लिए बचा के रखा था, लेकिन तूने डिपार्टमेंट का एक बुलेट बचा दिया। रेस्ट इन पीस सर। अरे फैमिली ड्रामा यार, पहले इसकी रिपोर्ट बनाओ, हायर ऑफिसर से मैं बात कर लूंगा, बाद में देखते हैं। कल्कि एक अच्छा लड़का था यार, मरना नहीं चाहिए था उसे। कल्की आंखें खोलो, कल्की तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। कल्की मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बगैर, कैसे जीऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाना, तेरे बिना जी नहीं सकता।